बोलो डिसीजन ये लिया है कि मैंने तुम्हें 10 लाख में मैम को भेज दिया है। क्या मुझे ऐशा आराम चाहिए, 10 लाख तुम्हें पता है मौज की जिंदगी काट। तुम समझ भी रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो पूजा, मेरी जॉब लगने वाली है, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दे सकते हो आज, दे सकते हो। भाई नाम बताना अपना। भाई मेरा नाम संजय है। संजय मैडम आपका नाम? पूजा। कितना 10 साल पहले आपकी शादी हुई इनसे? 3 साल हो गए। ठीक है, आप आज अपने पति को बेच रहे हो 10 लाख में? यस। ठीक है, कितना कैश मैम? 5 लाख है ना? मैम 5 लाख कैसे और चेक बुक होगा जैसे आपने बोला था? दे दो। मैं कैसे मान लूं मैडम, मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी बातों पे। सर वो मेरे यहाँ 2 साल से काम करती है, मैं उसे 2 साल। आप क्या कह रहे हो, आपको पता है? आप कह रहे हो कि एक लड़की अपने पति को बेच रही है, वो भी आपसे। क्यों बेचेगी आपसे? सर उसके शौक ही इतने महंगे महंगे। आप घर तोड़ रहे हो मेरे ख्याल से। नहीं 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 सर, तोड़ रहे हो उसे, मैं 2 साल से जानती हूँ। आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हो क्या? सैलरी दे रहे हो? सैलरी से ज्यादा तो सर उसके शौक है ना। मैं आपको मिलवा दूंगी उससे। आप मेरी बात नहीं समझना चाहते हो। पहली बात आप कह रहे हो आपने फोन पे ये सब बताया नहीं कि वो लड़की अपने पति को बेच रही है, जब यहाँ पे आया कैमरे लगाया तब कह रहे हो कि नहीं वो लड़की अपने पति को बेच रही है। मैं इस बात को कैसे यकीन मानूं? सर उसके शौक उसके जरूरत से ज्यादा है। देखो साक्षी, अगर इन बातों में अगर जरा सा भी सच्चाई होगी ना, मैं आपका साथ दूंगा। उसको यहाँ पे फोन करो, अभी उसको बोलो यहाँ पे आने, तब मैं इंटरव्यू स्टार्ट करूंगा। बोलो उनको फोन करके आने। ओके। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कोई अपने पति को बेच देगा, मानने वाला बात ही नहीं है ये। हेलो। हाँ मैम। पूजा मैंने आपसे कुछ बोला था क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आपसे कुछ बोला था मैंने? जो हमारी बात हुई थी वो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए मैम। मैं 10 लाख रुपए कैश लेके आई हूँ। 10 लाख रुपए? हाँ। अच्छा तो आप मुझसे मिल सकते हो? कहाँ मैम? ये हमारे ऑफिस के पीछे एक पार्क है, वहाँ पे आना है। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी। कितना टाइम लगेगा आपको? आधा घंटा लगेगा। ठीक है आइए। देखा सर? उनको बोला कि पति को लेके आने के लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं। देखो मैं इंट्रो स्टार्ट कर रहा हूँ मैडम, आप पूरी चीज़ बताओ ये बात कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेचने वाली चीज़ें। ठीक है स्टार्ट करूँ? हेलो दोस्तों, मैं हूँ मासूम और हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है साक्षी मलिक, जिनके दो दो बुटीक हैं, बेचारी बुटीक चलाती हैं, और इनके यहाँ कम से कम 8-10 स्टाफ, कितने 8-10 स्टाफ है ना? Yes. इनके अंडर में 8-10 स्टाफ काम करते हैं। इनके आगे पीछे कोई नहीं है, ना कोई मर्द है ना कोई औरत है, अकेले है पूरी ज़िंदगी में। और ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक पूजा नाम की लड़की अपने पति को क्यों बेचना चाहती है, पूरी बात बताओ। मतलब कैसे कहाँ ये स्टार्ट हो गया, पूरी बातें बताओ। मैं सिंगल हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करी है, मेरे 2 बुटीक्स हैं और अपना मकान भी है। एक लड़की है पूजा, पूजा नाम की, मेरे यहाँ पे जॉब करती है। हाँ मेरी स्टाफ है। तो वो कह रही, उसके ना अजीब तरह के ख्याल आते हैं, मतलब घूमना फिरना, महंगे महंगे शौक सब। कितनी सैलरी है उसकी? उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं है, ऐसी 12-15। हाँ कितना है? 12-15 है। 15,000। मतलब आप सैलरी नहीं देते, कोई और देते हैं क्या? आपके स्टाफ को सैलरी कौन देता है? मेरे स्टाफ को सैलरी मैं ही देती हूँ, मतलब। अच्छा, याद नहीं था आपको? हाँ। चलो फिर आगे बताओ। वो आई ऐसी मजाक में बोलने लगी कि मतलब मुझे अपने पति बेचना है, मेरा पति। क्यों ऐसा क्यों बोली? उसका पति काम वाम नहीं करता क्या? उसका पति काम वाम करता है, अच्छा है, बट उनने कोई बिजनेस स्टार्ट करा था उन्होंने, उनका कोई लॉस हो गया, तो इस वजह से इस औरत के ना शौक ही अजीब टाइप के, मतलब घूमना फिरना महंगे महंगे, वो उस टाइप के। उसका हस्बैंड का कैसा इंसान है वो? बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया इंसान। आप मिले हो? हाँ। जब आपने उसको बोला, मतलब वो फ्रस्ट्रेट होके बोली होगी, मजाक में बोली होगी, तो ये बात सीरियस में बोला था क्या? अच्छा ठीक है तुम अपना पति मुझे दे दो, तो उसका क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम? उसका कोई रिएक्शन नहीं था, उसने कहा हाँ ठीक है ले लो आप खरीदोगे, उसका ये पूछी उसने। हाँ जी। तो मतलब आप उसके हस्बैंड को खरीद के क्या करना चाहती हो? वो तो इंसान है,
कोई सामान तो है नहीं, क्या कर दोगे उसके साथ, क्या करोगे? एक देखो, इतना अच्छा इंसान बहुत कम मिलता है दुनिया में, अगर मेरे लिए मिल रहा है तो बहुत खुशी की बात है। मतलब उसके साथ आप क्या शादी करोगे? नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या मतलब उसके साथ कुछ? मतलब देखो कि अगर उसे कोई गलत इंसान खरीद लेता तो मतलब क्या कर देता, कोई बेच देता या कोई किडनी निकाल लेता, कोई कुछ भी कर सकता था। अगर मैं खरीद रही हूँ तो उसका कुछ, उसके बारे में कुछ सोचे होगे ना आप? हाँ, जो वो मेहनत करना चाहते हैं मैं उनसे वो मेहनत करवाऊंगी। अच्छा, मतलब अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। तो बात यहाँ पे है कि इनकी स्टाफ पूजा अपने पति से इतना इस कदर परेशान हो चुकी है कि वो अपनी बॉस से, जो साक्षी मलिक जी हैं, 10 लाख में बेचने आ रही है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, मैं इनका पैसे लेके जा रहा हूँ, आप मैडम मुझे कॉल करके बताना। okay. मैं आ जाऊँगा। okay. वो जब तक आएंगी, बाकी दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहो, क्योंकि देखो मेरे अभी मेरे हाथ में पूरे 5 लाख है और 5 लाख चेक में देगी है। अब सारी चीज़ें मैं लास्ट में आऊँगा, अभी तो मैडम को बात करने देता हूँ। ठीक है मैडम, बेस्ट ऑफ लक। परेशान मत हो ना, मैं यहीं पर आसपास में। आपसे मैंने कुछ बोला था, कुछ अर्जेंट काम था क्या? इनसे मैंने बोला था, हाँ मुझे पता है, बात हुई थी हमारी इस चीज़ के बारे में। इन्होंने, आपने इनसे बात की? नहीं, अभी तक तो मैंने कोई बात नहीं की। आप एक मिनट शांत हो जाइए, मैं इनको बताती हूँ। आप 5 मिनट बात कर लो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। वो मैम किस चीज़ के बारे में बात करने को कह रही थी? बोलो पूजा। जब तुम मेरी चीज़ें, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कुछ डिसीजन लिया है जो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। क्या डिसीजन लिया? बोलो पूजा। डिसीजन ये लिया है कि मैंने तुम्हें 10 लाख में मैम को बेच दिया है। क्या? ये क्या बात कर रही हो पूजा तुम? जब मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तो मैं और क्या करूं? तो तुमने मुझे 10 लाख में बेच दिया, तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं हुई तो? तुम्हारे संग रह रहा है कि मैं घिस चुकी हूँ, ठीक है? इधर ऑटो में आना, मेरे ऐशो आराम पूरे नहीं हो रहे, तो और मैं क्या करूं? यही करूंगी ना मैं। तो मतलब मेरी जरूरतें पूरी नहीं, ऊपर से तुम्हारी जॉब चली गई। तो जॉब चली गई तो तुम मुझे बेच दोगे? मतलब यही प्यार है? ठीक लगा, मैंने वो करा। ठीक है पूजा, हमने शादी करी है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? शादी करी, शादी का मतलब पता है तुम्हें? मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, पूजा क्या करूं? और तो तुम मतलब कि मुझे 10 लाख में बेच दोगे? हाँ बेच दिया मैंने तुम्हें, क्या करूं? और मैं मुझे ऐशो आराम चाहिए, 10 लाख तुम्हें पता है मौज की जिंदगी काटूंगी। तुम समझ भी रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो? होश में हो तुम? मैं होश में हूँ, होश आवाज में बेका है मैंने तुम्हें। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें आराम से समझाती बैठ। क्या बात सुनो पूजा, मैं बताओ क्या बात सुनो? खैर हम मियाँ बीवी तो रहेंगे ना, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे हम, ठीक है? तुम समझ रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? होश में हो? शादीशुदा तो रहेंगे ना, हम उसे पैसे ले रहे हैं, मैंने तुम्हें बेका ही तो है, 10 लाख रुपए कम नहीं होते, मेरी बात समझो ठीक है? पूजा तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम करो, मैं कुत्ता हूँ क्या? तुम जो चाहोगी वो करोगी, 10 लाख में मेरे को बेच दोगी, मेरी जॉब चलेगी, तो तुम ऐसे बात कर रहे हो आज? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो तुम? क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए हर चीज करता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ, आज मेरी जॉब चलेगी तो आज तुम ऐसे बात कर रहे हो? अभी तक तो तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया था जब तक मेरी जॉब नहीं गई थी, अचानक से आज बेच दिया तुमने मेरे को, वो भी चोरी छुप के, तुमने मेरे को कुछ बताया तक नहीं, आज मेरे को उनसे पता चल रहा है। बोलो पूजा कुछ करो, क्या समझूं बताओ, क्या समझूं? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या समझूं मैं? प्लीज समझो पूजा, तुमको मैं क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? तुम यहाँ तक सोच सकते हो मेरे को बेच दिया तुमने आज? मेरी 10 लाख नहीं हो रही ना, इसलिए बेका है मैंने तुम्हें। अभी तक मेरी जॉब थी, अभी तक मेरी जॉब थी, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है? प्लीज समझो और आप चुप रहो, तुम्हारी ठीक है? अभी तक मैं चुप ही था। डिसीजन जो ले रही हूँ उसे समझो, ठीक है? बस मैंने बेच दिया तो बेच दिया, बस मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या कुछ नहीं सुनना? इस बात को समझो प्लीज। मैं क्या बात को समझूं? प्लीज समझो मेरी बात, बस जो मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो करा, बस अब मुझे और नहीं पता। तुमने क्या डिसीजन, सोच भी रहे हो तुम क्या बोल रही हो?
पूजा तुम पागल हो गई हो, मतलब पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगी, तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं होती तो तुम बेच दोगे। जहाँ पैसा मिलेगा मैं कुछ भी करूंगी, ठीक है। मतलब तुमने पैसों के लिए मेरे से शादी करी, मेरे को कुत्ता समझ के रख रखा है, जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगी। नहीं हो रही ना, आज से जो तुमने बोला वो मैंने करा है। गाड़ी में धक्के खाना ये सब कुछ नहीं होगा मुझसे अब कुछ। आज तक जो तुमने बोला ना मैंने सब कुछ करा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। सोने की चैन बनवाई मेरे लिए, नहीं बनवाई, सोने कुंडल बनवाए मेरे लिए, नहीं ना। तो आज तक तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चल रहा था कुछ, अचानक से तुमने मेरे को बेच दिया। मेरी फ्रेंड है, हर जगह घूमने जाती है, मॉल में जाती है, साड़ियाँ खरीदती है, मुझे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा गलती की जिंदगी नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है पूजा। गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानते रख, तुम्हें कभी कुछ बोला तक नहीं मैंने। प्लीज मान लो अभी हम दोनों की भलाई है इसमें, और प्लीज शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ बताओ, क्या शांत हो जाओ? जो मैंने कहा है प्लीज उसे समझ लो, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बस मैं मैम को फोन कर रही हूँ, वो आ रही है। देखो पूजा जो तुम करो ना ये गलत करो। सही कर रही हूँ मैं। क्या सही कर रहे हो, तुम समझ भी रहे हो तुम क्या कर रहे हो? बेच रहे हो तुम अपने पति को, बेच रहे हो। हाँ, शादी हो रखी है हमारी। मुझे जो ठीक लगा, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो पूजा, मेरी जॉब लगने वाली है, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दे सकते हो, आज दे सकते हो। पूजा प्लीज मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ तुम्हारे आगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूजा मत समझो, पूजा मत करो ऐसा, प्लीज समझो पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूजा मत करो ऐसा, मत तुम जो भी करो गलत करो, प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ो, प्लीज। ड्रेसेस ला सकते हो, कार खरीद के दे सकते हो, जॉब लगने वाली, मैं तुम्हारे सब कुछ करूंगा। शांत रहो। हेलो, बात हो गई आपकी पूजा? हाँ मैम आ जाओ, प्लीज पूजा मत करो। हाँ पूजा मत करो, प्लीज मत करो, प्लीज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहो, शांति से बैठे रहना। और प्लीज पूजा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो पूजा प्लीज। तुम्हारे प्यार का ही नतीजा तो है ये, देखो नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, की जिंदगी जी रही हूँ ना मैं, नहीं रह पाऊंगा। एक एक चीज के लिए तरस रही हूँ तुम्हारे संग रह के मैं। पूजा प्लीज मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, प्लीज पूजा मत करो। आज तक डिनर पे लेके गए हो मुझे, प्लीज पूजा मत करो, जो तुम कहोगे वो मैं करूं। मैम के सामने कुछ मत बोलना, अगर तुमने कुछ भी बोला ना तो मैं यहीं पे अपने आप को कुछ करके चली जाऊंगी, ठीक है? बताओ मंजूर है तुम्हें? हाँ पूछो, बात हो गई आपकी? हाँ मैम बच्चे तैयार है? हाँ बस आप तैयार हो संजय जी? तो कैश? हाँ ले आइए, मेरे एक वो दोस्त हैं मैं उनसे मंगा रही हूँ। ओके देखो पूछो, मैं कैश और चेक भी आपको दे दूँगी, पर आप इनसे पूछ लीजिएगा। हाँ जी सर ये हैं। हेलो भाई, संजय, संजय ये मेरी दोस्त है, ठीक है, मुझे इन्होंने सब कुछ बता दिया, तो मैडम दे दो आप अपने हाथ से, मैं बना, हाँ ठीक है अपने हाथ से बैठो, अब बैठो ना आप लोग, बैठो ना मैं वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है मैं वीडियो बना लेता, मुझे कोई ऐसा नहीं, ठीक है। देखो एक सबूत होना चाहिए, हम पेपर वर्क नहीं किए हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ, रुक जाओ रुक जाओ मैडम रुक जाओ। भाई नाम बताना अपना। भाई मेरा नाम संजय है। संजय, मैडम आपका नाम? पूजा। कितना 10 साल पहले आपकी शादी हुई इनसे? 3 साल हो गए। ठीक है, आप आज अपने पति को बेच रहे हो 10 लाख में? यस। ठीक है, कितना कैसे? मैम 5 लाख है ना? मैम 5 लाख कैसे हो? चेक बुक है जैसे आपने बोला था। हाँ। दे दो। देख लो पूजा, 5 लाख कैश है, ठीक है, देख लो एक बार बोल दो कि हाँ, मैं 5 लाख पाई हूँ, बोल दो। हाँ मैं 5 लाख रुपए मेरे पास है, ये चेक के साथ आ चुके हैं, और थैंक यू मैम। ठीक है, खुश रखना इन्हें, आराम से रहना इनके साथ, इनको तंग मत करना, ठीक है? ठीक। और ये हमारी खुशी के लिए है, ठीक है? ओके मैम, मिलते हैं। थैंक यू मैम, आज आप नहीं होते तो मैं ना ही ड्रेस खरीद पाती और ना ही कार खरीद पाती, आज आपके वजह से मेरा सपना पूरा हुआ, थैंक यू। और तुम खुश रहना इनके साथ, ठीक है? पूजा एक बार रुको,
तुम आज जा तो रही हो, लेकिन एक बात तुम याद रखना, तुम जिंदगी में ना कभी खुश नहीं रह पाओगे। आज तुम्हें 5 लाख का लालच है ना, और तुम्हें 5 लाख के लालच में अपने पति को छोड़ दिया, जो तुमसे इतना प्यार करता था, दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता था, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता था। जब मैं जॉब गई थी ना, तो मैं दिन रात बस यही सोचता था कि मेरी पूजा को मैं कैसे खुश कर सकूं, और मैं दिन रात मेहनत करते रहता था, जॉब सर्च करते रहता था, लेकिन तुमने तो, मैं क्या बोलूं, कुछ वर्ड ही बाकी नहीं रह गया है। जो खुशी ये दे सकता है ना, वो आप नहीं दे सकते, और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है? भाई तुम सच में उसके हस्बैंड थे ना? जी भैया, मैं सच में उसका हस्बैंड था। तो क्यों बेच के चली गई वो तुम्हें? भैया मैं तो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मेरे को समझ में आया कि उसको पैसों से ही प्यार था, मेरे से प्यार नहीं था। आज मेरी जॉब चली गई, तो 5 लाख के चक्कर में मेरे को आज बेच के चली गई। 5 लाख नहीं बाबू, 10 लाख में तुम्हें बेचा गया है। अगर 10 लाख चुका सकते हो मैडम का, तो तुमको छुड़वा सकते हैं। बताओ, है तुम्हारे पास 10 लाख? भैया मेरी जॉब चले गई, लेकिन मैं आप आज नहीं, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं कोई टाइम नहीं, मैडम तुम्हें खरीद चुकी है, जो बात करना है मैडम से बात करो, मैडम से बात करो। अब तो आप खुश हो ना? तुम कुछ भी कर लो, तुमने को खरीद तो लिया, लेकिन मैं रूह ना कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे आपकी रूह चाहिए भी नहीं, आप मेहनती हो, ईमानदार हो, मैंने तो बस इसलिए, मुझे आपकी रूह नहीं चाहिए। देखो तुम कहीं भी जॉब करते ना, समझ लो कि तुम्हें यहाँ पे जॉब लगी है, एडवांस में तुम्हें 10 लाख मिले हैं, उस जॉब 10 लाख को तुम चुकाओ मैडम के पास। क्यों मैडम, यही बात है ना? बोलिए, चुका सकते हो? जी भैया मैं चुका सकता हूँ। उस लड़की को पता नहीं चलना चाहिए ये बात। नहीं भैया पता नहीं चलेगा, मैं चुका सकता हूँ। देखो आज ना कल पछतावा होगा कि तुम्हें बेची है वो। जी, और तुम उसे अच्छा लायक बन के दिखा देना। जी भैया बिल्कुल, लायक हो। जी जी भैया बिल्कुल ठीक है। और सुनो, तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सामने देखो कैमरे लगे, पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, तुम्हें जो बोलना है बोल सकते हो। जी भैया मैं बस यही बोलना चाहता हूँ ना, कि कभी भी ना जो किसी से भी शादी करो ना, तो सोच समझ के करनी चाहिए, उसके बारे में पूरा जान पहचान लेना चाहिए। नहीं तो आगे जाके जैसे आज मेरा हाल हुआ है ना, वैसे किसी और का भी हो सकता है, कि पैसों के लालच के चक्कर में वो बेच के जा सकती है। मैडम देखो, जो करना है इनके साथ करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं करना है, ये बहुत अच्छे इंसान है।